100 दिन और 11 मोर्चों पर हुआ काम, कैसे गठबंधन के बाद भी नहीं बदला मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का एजेंडा, आइए जानते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। दो कार्यकालों में पूर्ण बहुमत के साथ काम करने वाले नरेंद्र मोदी इस बार गठबंधन सरकार चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने एजेंडे में कोई खास बदलाव नहीं किया है। समान नागरिक संहिता, वक्फ बोर्ड विधेयक की चर्चा और एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर वो आगे बढ़ रहे हैं। यही नहीं, वक्फ बोर्ड को लेकर तो समाज में तीखी बहस चल रही है, लेकिन इसके बाद भी मुस्लिम वोट बैंक को लेकर संवेदनशील दिखने वाली नीतीश कुमार की जेडीयू इस पर साथ है। इसके अलावा विकास के भी कई पैरामीटर्स पर मोदी सरकार आगे बढ़ी है। मुख्य तौर पर 100 दिनों में 13 मोर्चों पर उन्होंने काम किया है। मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में 100 दिनों में 3,00,000 करोड़ रुपए की इंफ्रा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें खास तौर पर रेलवे, रोड, पोर्ट्स और एयरवेज पर फोकस किया गया है। महाराष्ट्र में ही 76,200 करोड़ रुपए की लागत से माधवन मेगा पोर्ट को मंजूरी दी गई है और ये दुनिया के 10 सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक होगा। इसके अलावा पीएम ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की शुरुआत कर चुके हैं, जिस पर 62,000 करोड़ की लागत आएगी। इसके अतिरिक्त 8 नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी मिल चुकी है, जो 936 किलोमीटर लंबे होंगे। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी सरकार के शुरुआती 100 दिनों में पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी कर दी है। इसके तहत 20,000 करोड़ रुपए की रकम वितरित की गई। इसके अलावा खरीफ फसलों में MSP में भी इजाफा किया गया। इसमें करीब 12 करोड़ किसानों को सीधे तौर पर लाभ हुआ है। आपको बता दें, प्याज और बासमती चावल के निर्यात पर शुल्क घटाया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी 3,300 करोड़ रुपए की लागत से कई कृषि योजनाओं की शुरुआत की गई है। वहीं नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल ने अपने पहले ही बजट में टैक्स में मिडिल क्लास के लिए भी ऐलान किया था। इसके तहत 7,00,000 रुपए तक टैक्स नहीं लगेगा। सैलरीड क्लास वाले लोग टैक्स में 17,500 रुपए तक की बचत कर सकेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए तक रहेगा। फैमिली पेंशन पर भी छूट 25,000 तक बढ़ा दी गई है। पेंशन को लेकर भी नई यूनिफाइड स्कीम लाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पीएम आवास योजना के भी नए चरण का ऐलान हो चुका है। इसके तहत 1 करोड़ घर शहरी क्षेत्र में बनेंगे और 2 करोड़ घर ग्रामीण इलाकों में बनेंगे। वहीं मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में इज ऑफ डूइंग बिजनेस को एक उपलब्धि माना जा रहा है। बजट में 31% एंजल टैक्स को हटा दिया गया है और इसे स्टार्टअप्स के लिए अच्छा कदम माना जा रहा है। इसके अलावा कॉरपोरेट टैक्स में भी राहत दी गई है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 औद्योगिक शहर बसाए जाएंगे। मुद्रा लोन की लिमिट भी 10,00,000 से बढ़ाकर 20,00,000 कर दी गई है। आपको बता दें, मौजूदा सरकार ने 2,00,000 करोड़ रुपए का फंड स्किल डेवलपमेंट के लिए घोषित किया है। ये 5 साल में खर्च किया जाएगा। टॉप कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप के लिए 1 करोड़ युवाओं को मौका मिलेगा। इसके अलावा वन टाइम असिस्टेंट भी दी जाएगी। 20,00,000 युवाओं को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दी जाएगी। यही नहीं, EPFO में रजिस्ट्रेशन पर 3 किस्तों में 15,000 रुपए की रकम दी जाएगी। देश भर में 90,00,000 स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 10 करोड़ महिलाओं को शामिल किया गया है। इसके तहत डिजिटल लिटरेसी, आर्थिक समावेश और सामाजिक विकास के मानकों को मजबूत करने का फैसला लिया गया है। वहीं इसके अलावा 11,00,000 लखपति दीदी प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए हैं। सरकार का दावा है कि 1 करोड़ लखपति दीदी को हर साल 1,00,000 रुपए तक की आय हुई है। इसके अलावा वक्फ संपत्तियों के विवादों के निपटारे के लिए सरकार नए बिल का प्रस्ताव लाई है। सरकार का कहना है कि इससे वक्फ की जमीनों पर विवाद कम होंगे। एकलव्य मॉडल स्कूल के तहत 1,00,000 छात्रों का नामांकन हुआ है और सरकार ने 73,000 आदिवासी ग्रामों के विकास की बात भी कही है। इससे 5 करोड़ आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक विकास का अनुमान है। इस बार आयुष्मान भारत स्कीम के दायरे को भी बढ़ाया गया है। इसके तहत 70 साल और उससे अधिक आयु की सभी लोगों को 5,00,000 रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इसमें 4 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ बुजुर्ग सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। मेडिकल कॉलेजों में 75,000 नई सीटें ऐड की जाएंगी। कैंसर के इलाज से जुड़ी दवाओं के रेट भी घटाए गए हैं। वहीं मोदी सरकार ने अपने इस कार्यकाल में नेशनल स्पेस डे की भी शुरुआत की है, जो 23 अगस्त को हर साल मनाया जाएगा। चंद्रयान और मंगलयान की सफलता को समर्पित करते हुए ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा स्पेस स्टार्टअप्स के लिए 1,000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड शुरू किया गया है। आगे बात करें तो भारतीय कानूनों पर औपनिवेशिक
छाप हटाने के नाम पर मोदी सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता की शुरुआत की है। इसके तहत उन तमाम धाराओं को बदल दिया गया है जो ब्रिटिश राज से ही चली आ रही थी। पोर्ट ब्लेयर का नाम भी बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। यही नहीं, पेपर लीक के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए भी एक एक्ट लाया गया है। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन का दौरा भी किया था। ये दशकों बाद किसी भारतीय पीएम की यात्रा थी। इसके बाद सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी रूस पहुंचे। यही नहीं, पीएम मोदी रूस भी जाने वाले थे। माना जा रहा है कि उनकी अहम भूमिका युद्ध को रुकवाने में हो सकती है। इस तरह भारत ने मौजूदा विदेश नीति को संतुलन प्रदान किया है। देश दुनिया के ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल।